everyone, welcome back to our channel Reality 360 Degree. This is your host cum property advisor Jolly Yadav. And guys, आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ ग्रेटर नोएडा ट्राई फाइव सेक्टर में हमारे आज के प्रोजेक्ट ADS Earthcon Casa Grande 2 पर. This is, like I told you, located in sector Tri 5 and इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है. यमुना एक्सप्रेस वे की प्रॉपर्टी है. यमुना एक्सप्रेस वे इज हार्डली एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स फ्रॉम दिस लोकेशन. विद दैट, नोएडा एक्सप्रेस वे यहाँ से 1 किलोमीटर की रेडियस में है. अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ से आपको नोएडा एंड दिल्ली की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है. नोएडा इज अराउंड 30 मिनट्स फ्रॉम दिस लोकेशन. दिल्ली इज अराउंड 1 आवर फ्रॉम दिस लोकेशन. उसके साथ साथ नॉलेज पार्क 5 इज अराउंड 2.5 to 3 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस लोकेशन. एंड वहाँ पर आपको 40+ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस मिल जाते हैं. आस पास में आपको कई सारे स्कूल्स भी मिल जाते हैं जो कि ऑपरेशनल कंडीशन में है. इनफैक्ट एक स्कूल मेरे बिल्कुल सामने है, एक किड्स स्कूल बिल्कुल आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर यहाँ से मिल जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं सेक्टर 150 की बात करती हूँ नोएडा का, जो कि एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है, वहाँ का स्पोर्ट्स सेक्टर है, तो वो इस लोकेशन से आपका हार्डली 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है. एडवेंट एंड आईटी सेक्टर्स यहाँ से आपके अराउंड 20 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है. सो गाइस, लोकेशन एंड कनेक्टिविटी ऑफ दिस एरिया ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज जस्ट अमेजिंग. एंड पूर्वांचल रॉयल सिटी, अब देखिए ये बहुत ही फेमस यहाँ की एक सोसाइटी है. इसके बिल्कुल एडजॉइनिंग हमारा प्रोजेक्ट है ADS Earthcon Casa Grande 2. ये एक जॉइंट वेंचर है ADS ग्रुप एंड Earthcon ग्रुप का. एंड गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इसी प्रोजेक्ट को डिस्कस करने वाली हूँ एंड इसके अराउंड मैं आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो के दौरान प्रोवाइड करूंगी. गाइस, वी आर इनसाइड द प्रोजेक्ट. दिस इज द एक्चुअल साइट ऑफ द प्रोजेक्ट. ये प्रोजेक्ट आपका नियर टू पोजेशन एंड अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है. पूरे अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करती हूँ तो ये 5 एकर्स के लैंड पार्सल में डेवलप हो रहा है, जिसमें 4.5 एकर्स में आपका रेसिडेंशियल रहेगा एंड 0.5 एकर्स में यहाँ पर आपका कमर्शियल डेवलप हो रहा है. प्रोजेक्ट आपका 3 साइड ओपन प्लॉट पे डेवलप हो रहा है. फ्रंट में रहेगा आपका सेक्टर रोड एंड एक तरफ रहेगा आपका अथॉरिटी का पार्क. साथ ही प्रोजेक्ट के बैक साइड में रहेंगे 6% प्लॉट्स में आपकी लो राइज डेवलपमेंट होगी. सो आपको 3 साइड ओपन व्यू मिल जाता है आपके अपार्टमेंट से. कमर्शियल टावर आपका रेडी टू मूव इन कंडीशन में है एंड यहाँ पर आपके ग्राउंड फ्लोर पर शॉप्स है एंड उसके ऊपर आपके रहेंगे फुली फर्निश्ड स्टूडियो अपार्टमेंट्स. स्टूडियो अपार्टमेंट्स में अब कोई भी यूनिट नहीं बची हुई है, सारा स्टूडियो अपार्टमेंट सोल्ड आउट हो चुका है. ऑल्दो अगर आप यहाँ पर एक सोसाइटी शॉप प्रेफर करते हैं या फिर एक सोसाइटी शॉप अपने लिए सर्च कर रहे हैं तो सोसाइटी शॉप्स में आपको यहाँ पर यूनिट्स मिल जाएंगी, बट वो भी उसमें भी अब गिनी चुनी कुछ लिमिटेड यूनिट्स ही बची हुई है. साइज रेंज आपके लिए स्क्रीन पर मेंशन है. नाउ कमिंग टू द रेसिडेंशियल पार्ट, तो यहाँ पर 4 टावर्स जैसे कि मैंने आपको बताया रेसिडेंशियल के रहेंगे एंड इनकी टावर हाइट रहेगी G+17 फ्लोर की. यहाँ पर आपको 2 BHK एंड 3 BHK अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं. 2 टावर आपके डेडिकेटेड 2 BHK के लिए रहेंगे, जिसमें आपके एक फ्लोर पर 6 यूनिट्स रहेंगी, सभी कॉर्नर यूनिट्स रहेंगी. एंड 2 टावर्स आपके 3 BHK अपार्टमेंट्स के रहेंगे, जिनमें से 1 टावर लॉन्च हो चुका है, यानी कि 3 टावर्स बिल्डर लॉन्च कर चुके हैं एंड 1 टावर फ्यूचर में लॉन्च किया जाएगा. ये इनमें आपके कम्प्लीटली 3 BHK रहेंगे, जिनके साइज अगेन आपके लिए स्क्रीन पर मेंशन है. गाइस, कैसा ग्रैंड व्यू में आपको पार्किंग बेसमेंट में मिल जाएगी, डबल बेसमेंट पार्किंग आपकी यहाँ पर रहेगी. इनफैक्ट मैं पोजेशन की बात करती हूँ तो कमर्शियल इज लाइक आई टोल्ड यू रेडी टू मूव इन एंड कम्प्लीटली सोल्ड आउट ऑल्सो. रेसिडेंशियल की बात की जाए तो यहाँ पर जो 2 BHK के टावर्स हैं उनको इस साल दिसंबर तक डिलीवर कर दिया जाएगा. आप देख सकते हैं सुपर स्ट्रक्चर्स रेडी हो चुके हैं एंड अब सिर्फ फिनिशिंग का काम ही चल रहा है. बाकी 3 BHK के जो आपके टावर्स हैं उनको नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक डिलीवर कर दिया जाएगा. प्रोजेक्ट में आप HDFC बैंक के साथ साथ सभी रिनाउंड बैंक से लोन भी अवेल कर सकते हैं. पेमेंट प्लान इज वेरी इजी, CLP आपका पेमेंट प्लान रहेगा. इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ अपार्टमेंट्स की तो यहाँ पर आपको रॉ अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं बट होम ऑटोमेशन फीचर्स के साथ. जी हाँ, यहाँ पर आपको स्मार्ट
होम्स मिल रहे हैं जिसमें आप अपनी लाइट्स, फैन, सीलिंग सब चीजें आप एक एप्लीकेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट कमर्शियल में यहाँ पर जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स थे वो सभी यहाँ पर फुली लोडेड कंडीशन में प्रोवाइड किए गए हैं। तो जिन्होंने कमर्शियल में यहाँ इन्वेस्ट किया है वो आज के टाइम में एक अच्छी खासी रेंटल इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। कोई भी ड्यूज नहीं है इस लैंड पर एंड बिल्डर काफी अच्छे हैं। अर्थकॉन इसके डेवलपर हैं जिनकी काफी अच्छी रेपुटेशन है। एडीएस भी एक रिनाउंड बिल्डर है एंड ये प्रोजेक्ट उनका जॉइंट वेंचर है। सो गाइस, दैट वाज अबाउट द सोसाइटी, दैट वाज अबाउट द प्रोजेक्ट एंड नाउ वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड एंड में मैं यही कहना चाहूंगी ये प्रोजेक्ट परफेक्ट है उन लोगों के लिए जिनका बजट बहुत ज्यादा हाई नहीं है लेकिन वो एक अच्छी सोसाइटी में, अच्छे सेक्टर में अपने लिए एक घर परचेज करना चाहते हैं, तो वो कासा ग्रैंडिटू को कंसिडर कर सकते हैं। यो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर एक प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो यहाँ के जो 2 BHK प्रॉपर्टी रहेगी, 2 BHK अपार्टमेंट रहेगा, उसका स्टार्टिंग प्राइस अराउंड 76 लाख रहेगा एंड 3 BHK अपार्टमेंट की कॉस्टिंग अराउंड 1.29 crore रहेगी। So guys, that was all for this video. Thank you so much for watching this video till the end. Agar aapko ye video pasand aayi hai, then make sure you hit the like button and don't forget to subscribe my channel Reality 360 Degree for more such videos. I'll see you in the next one.